बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मशक्की। इसके साथ मैं हफीजा कवल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्वेटा के इलाके मशरकी बाईपास पर तानिया मच के शहदा लवाहिकीन और हजारा बिरादरी के अमायरीन का धरना तीसरे रोज भी जारी रहा। डीबीबी मशीन के जिमनी इंतखाबात के लिए एडवोकेट खैर मोहम्मद तरीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के नेता उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। बलोचिस्तान से सेनेट की खाली निशस्त पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी की दूसरा शाहीन बिला मुकाबला सेनेट में मुंतखब होगी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की स्मगलिंग के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ अशिया बरामद करके मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुनीर अहमद काकर बलोचिस्तान से बार काउंसिल के रुकन मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत और मोटरवे पुलिस ट्रांसपोर्टर्स को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। साबिक सूबाई वजीर वीर आसिम कुटकेलू और DIG मोटरवे पुलिस अली शेर चक्का सानिया मच की न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हजारा बिरादरी के एहतजाज में भरपूर ताउन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हाजी अली मदद चक्का सानिया मच के खिलाफ जमेरात 7 जनवरी को क्वेटा में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान ऑल पाकिस्तान वापा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन। सुबह भर के सेक्टर्स और डिविजनल ऑफिस में 2 घंटे की टोकन हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। मच के इलाके में बेगुनाह मजदूरों का कत्ल इंसानियत की तस्दील है और पाकिस्तान माइंस ओनर्स एसोसिएशन के सदर मीर बहरोज रेखी। अब खबरें तफसील के साथ। क्वेटा के इलाके मशरकी बाईपास पर सानिया मच के शहदा लवाहिकीन और हजारा बिरादरी के अमायदीन का धरना तीसरे रोज भी जारी रहा। धरने के शुरकात से मुजाकरात के लिए सूबाई वजरा मीर जहूर बुलेरी, मीर जावलाल लांगो, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद दुमर पर मुश्तमिल कमेटी हजारा बिरादरी से धरने को खत्म करके शहदा की मैयतों की तदफीन करने की दरख्वास्त की, ताहम मुजाकरात नाकाम रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मंजूरी से PPP बलोचिस्तान के सूबाई सदर हाजी अली मदद जदत, जनरल सेक्रेटरी सैयद इकबाल शाह और सेक्रेटरी इत्तलात सरदार सरबुलंद खान जोगजई ने PPP मशीन के जिमनी इंतखाबात के लिए एडवोकेट खैर मोहम्मद तरीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। बलोचिस्तान से सेनेट की खाली निशस्त पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी की नुसरत शाहीन बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गई। सुबह इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बलोचिस्तान से खवातीन की ये मखसूस निशस्त सेनेटर कल्सुम परवीन के इंतकाल के बाइस खाली करार दी गई थी, जिस पर 2 खवातीन उम्मीदवारों नुसरत शाहीन और रीटा कुमारी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जबकि रीटा कुमारी ने बाद में अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की स्मगलिंग के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ अशिया बरामद करके मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। क्वेटा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच की सीट के नीचे कमाल होशियारी से रखी गई 7.20 किलोग्राम आला क्वालिटी चर्स बरामद कर ली गई। एक और कार्रवाई में नाका खारी चेक पोस्ट पर मुख्तलिफ गाड़ियों की तलाशी के दौरान 4,035 किलोग्राम गैर मुल्की कपड़ा, 372 स्टैक गैर मुल्की सिगरेट, 128 पैकेट इंडियन गुटखा और मुतफरक अशिया बरामद कर ली गई। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुनीर अहमद काकर के बलोचिस्तान से बार काउंसिल के रुकन मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंगल को पाकिस्तान बार काउंसिल के जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान बार काउंसिल के अरकान के इंतखाबात में बलोचिस्तान से मुनीर अहमद काकर बार काउंसिल के मेंबर रुकन मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान से वो वाहिद और पहले पश्तून रुकन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। न्यू शानदार ट्रेवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सूबाई वजीर मीर आसिम कुटकेलू और DIG मोटरवे पुलिस अली शेर चक्रानी ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी से ज्यादा लोग ट्रैफिक हादसा में मरते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानब से जदीद सफी सहूलियात आवाम को मुहैया करना अहसन इकदाम है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात बरतने की जरूरत है। हुकूमत और मोटरवे पुलिस ट्रांसपोर्टर्स को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हाजी अली मदद जतक, सूबाई जनरल सेक्रेटरी सैयद इकबाल शाह और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि सिलेक्टेड विफाकी और सूबाई हुकूमत आवाम को तहफ़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। सानिया मच की ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हजारा बिरादरी के एहतजाज में भरपूर तआवुन करेंगे। उन्होंने कहा कि मच इलाके गेश्ती में 4 रोज कबल एक ऐसा सानिया पेश आया जिसने दर्द दिल रखने वाले हर इंसान को दहला दिया। मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान ने सानिया मच के खिलाफ जमेरात 7 जनवरी को क्वेटा में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा
कि जगह जगह चेक पोस्टों पर चेकिंग के बावजूद इतना बड़ा सानिया समझ से बालातर है। हुकूमत आवाम को फौरी तौर पर तहफ़ फराम करे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक किसी भी वाकये में मुलव्वस कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। ऑल पाकिस्तान वापरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स की अहम मीटिंग। RED3 कंस्ट्रक्शन डिवीजन में एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई जिसमें केस्क्यू की निजकारी, रोजमर्रा महंगाई, केस्क्यू में सियासी मुदाखलत और मजदूरों को प्रोजेक्ट में दरपेश मसाइल के बारे में एक रोजा एहतजाजी जलसा मरखा 6/1/2021 को बवक्त 11 बजे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें तमाम कारकुनों और अहदेदारों को भरपूर अंदाज में शिरकत करने को कहा गया है। मुतालबात संजीदगी से लिए जाएं। अगर हमारे जायज मुतालबात मंजूर ना हुए तो मुकम्मल हड़ताल करके तमाम सरकारी खबरों की कवरेज रोक दी जाएगी। सूबे भर के सेक्टर्स और डिविजनल ऑफिसेज में 2 घंटे की टोकन हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। इस सिलसिले में हेड ऑफिस के अलावा क्वेटा, खुसदार, सिब्बी, नसीराबाद, लोरालाई समेत दीगर अजला में भी 12 से 2 टोकन हड़ताल कर दी गई। अब चलते हैं मौसम के अहवाल की जानिब। बलूचिस्तान के बीच अजला में मौसम सर्द और खुश्क जबकि शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्वेटा में मौजूदा दर्जा हरारत -3, ज़ियारत में -6, कलात में -4 और बलूचिस्तान के साहिली इलाका गवादर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।